तो आम आदमी पार्टी द्वारा बुधवार भाजप ने मोदी सरकार पर धारदार प्रहार कर आम आदमी पार्टीए जणाव्यु कि अमे कहीए छीए कि आगामी संसद सत्र में वडाप्रधान मोदीए एक कानून व्यवस्था लावी जोईए जेमां ईडी और सीबीआई समावेश करी शमशान में तपास करवी जोईए त्यारे तेमज जे लोग मृत्यु पाम्या छे तेमना हाड़का बहार काढ़ी तेमनी पण पूछकरछ करवी जोईए तेम कही पीएम मोदी पर प्रहार कर्या हता। तेमणे वधुमां कह्युं कि पीएम मोदी नुं ध्यान वीजळी पाणी अने शिक्षणना क्षेत्रमां नथी, बस खाली विपक्ष पार्टीओने हैरान करवामां वडाप्रधान मोदी नुं ध्यान छे। दारू कौभांड केस में मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल एक नंबर ब्लॉक में राख्या तरह आम आदमी पार्टी द्वारा सिसोदिया रूम नंबर मामले गंभीर आरोप भाजप सरकार पर कर आम आदमी पार्टीए जणाव्युं कि तिहाड़ जेल एक नंबर नी रूम में खतरनाक कैदीओ रहता हशे, तेमनी साथे मनीष सिसोदिया ने राखवामां आव्या छे। आ बाबत खूब ज गंभीर छे। कोर्ट द्वारा जे रूम में राखवानी फरज पाड़वामां आवी हती तेनी अवगणना फरी भाजपे सिसोदिया ने खूंखार कैदीओ साथे राख्या छे। के बलात्कार के जघन्य अपराध के मामले दर्ज हैं, जो सजायाफ्ता है कई वर्षों से, जिनको उम्र कैद है कई वर्षों से, ऐसे कैदियों के बीच कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके, उसे दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया जी को एक नंबर जेल में रखा है। दिल्ली आबकारी नीति ने बनावा अने लागू करवा कथित भ्रष्टाचार मामले धरपकड़ करेला मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल में राखवामां आव्या छे, त्यारे पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज बुधवार आरोप लगाव्यो छे कि पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल में खतरनाक कैदीओनी साथे राखवामां आव्या छे। आ कड़ी में जेल अधिकारीओए आपना आरोपों ने पाया विहोणा गणाव्या छे, कहूं कि सिसोदिया ने तेमनी सुरक्षा ने ध्यान में राखता अलग वोर्ड में मोकली आपवामां आव्या छे। सीजे 1 जे वोर्ड माते बंद छे त्यां ओछा मां ओछा कैदीओ हाय छे, जे गैंगस्टर नथी जेलनी अंदर सारू वर्तन करी रह्या छे, तेमनी सुरक्षा माटे जेल नियमो मुजब तमाम व्यवस्था करवामां आवी छे। आपना राज्यसभा सभ्य संजय सिंहे आरोप लगाव्यो कि तिहाड़ जेलमां आपना नेता मनीष सिसोदियाना जीवने जोखम छे, तेमणे सिसोदियानी हत्यानी आशंका व्यक्त करी छे। एटलुं ज नहीं, आरोप लगाड़वामां आव्यो छे कि जेलमां सिसोदियाने खूंखार कैदीओनी वच्चे राखवामां आव्या छे। तेलंगाणाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रावनी पुत्री कविता ने एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा समन्स पाठवामां आव्युं छे। दिल्ली दारू कौभांड साथे जोड़ायेला केसमां ईडीए कविता ने पूछपरछ माटे बोलावी छे। ईडी तेमनी आवतीकाले पूछपरछ करशे। आ पहेला दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केसना आरोपी कविताना चार्टर्ड एकाउंटंट बुच्छीबाबू गोरंतलाए सोमवारे कोर्टमांथी राहत मळी हती, तेने राउज एवन्यू कोर्टमांथी जामीन मळ्या हता। सीबीआईनी टीमे हैदराबादथी चार्टर्ड एकाउंटंट बुच्छीबाबूनी धरपकड़ करी हती। सीबीआईए सीए बुच्छीबाबू गोरंतलानी पोलीसनी रचना अने अमलीकरणमां कथित भूमिका अने हैदराबाद स्थित जथ्थाबंध छूटक लायसन्स धारको तेमना लाभार्थी मालिकोने खोटा लाभ आपवा बदल धरपकड़ करी। तो एलजीए दिल्लीना सचिवना रिपोर्टना आधारे आ मामलानी सीबीआई तपासनी भलामण करी हती। आ रिपोर्ट गया पछी 8 जुलाईए मोकलवामां आव्यो हतो, जेमां गत वर्षे लागू करायेली एक्साइज पॉलिसी पर प्रश्नो उठाववामां आव्या हता। दिल्लीना मुख्यमंत्री अने आम आदमी पार्टीना नेता अरविंद केजरीवाल होळीना दिवसे सतत 7 कलाक प्रार्थना पर बैठा हता। सीएम केजरीवाले सवारे 10 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી સતત 7 કલાક ધ્યાન કર્યું હતું। તેમણે કહ્યું કે તેઓ દેશની સ્થિતિ અંગે ચિંતિત છે, ત્યારે વડાપ્રધાન શાળાઓ અને હોસ્પિટલો બનાવનારાઓને જેલમાં મોકલી રહ્યા છે, વડાપ્રધાન અબજો લૂંટનારાઓને ગળે લગાવી રહ્યા છે। આમ આદમી પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા અને દિલ્હી સરકારમાં ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયાની સીબીઆઈ દ્વારા 26 ફેબ્રુઆરીએ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। तो अरविंद केजरीवाले सिसोदिया की धरपकड़ो विरोध करता कहूं कि सिसोदिया ने तेमना काम माटे भारत रत्न मळवो जोईए, परंतु केन्द्र सरकार तेमने जेल में मोकली रही छे। आम आदमी पार्टीए कहूं कि सिसोदिया ने राजकीय रीते मारवा माटे तेमने जेल नंबर 1 में मुकवामां आव्या छे। सौथी खतरनाक गुनेगारो जेल नंबर 1 में रहे छे।
त्रिपुरा विधानसभा चूंटणी में भाजपनी जीत बाद माणिक सहाय बीजी वक्त मुख्यप्रधान तरीके शपथ ग्रहण कर्या। तो शपथ ग्रहण समारोह में वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा भाजप शासित राज्यों मुख्यप्रधान हाजर रहा। आ शपथ विधि कार्यक्रम अगरतला स्वामी विवेकानंद मैदान में योजा हो। तो अमित शाह जेपी नड्डा मंगलवार ज अगरतला पहुंची गया था। महाराजा बीर विक्रम एरपोर्ट पर माणिक सहाय स्वागत करू हतु। तो आ पहला माणिक सहाय सोमवार राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मळ्या हता अने पूर्वोत्तर राज्य में सरकार बनावानो दावो कर्यो हतो। भाजपना तमिलनाडु एकमना चेन्नई पश्चिमी आईटी विंगना वधु 13 पदाधिकारी बुधवार अचानक राजीनामा सौंपी दीधा, जेना लीधे पार्टी में फूट पड़ी छे। भाजप आईटी विंग ना जिला अध्यक्ष अनबरास ने कहू कि मैं वर्षो सुधी भाजप पार्टी काम करू छे, लोको जाने छे कि मैं क्यारे कोई पद नी आशा नथी राखी। गत अमुक दिवसों थी असामान्य स्थिति ने जोता मैं पार्टी माथी राजीनामु आपी दीधु छे। आ निवेदन पर आईटी विंग ना 10 जिला सचिव अने 2 जिला उपसचिवों हस्ताक्षर कर्या हता। पार्टी में अचानक बनेला घटनाक्रम थी दौड़धाम मची हती। हजु ए स्पष्टता कराई नथी कि आ राजीनामा स्वीकारी लेवाया छे के नहीं, पण राज्य में भाजपनी अंदर आ प्रकार असंतोषनी पार्टी ने चिंता थवा लागी छे। तो बीजी बाजू तमिलनाडु भाजप अध्यक्ष अन्नमलाईए कहू छे कि पार्टी छोड़ी बीजा पक्ष में जवाथी साबित थाय छे कि राज्य में अमारी पार्टी आगळ वधी रही छे। तेमना आ निवेदन पर एआईएडीएमके आखरी प्रतिक्रिया आपता कहू अने भाजपे तेना पर जोरे जीती नहीं शके। तो नायब मुख्यप्रधान और राज्यना नाणाप्रधान देवेन्द्र फडणवीस ने बुधवार महाराष्ट्र विधानसभा में आर्थिक सर्वे 2022-23 रजू कर्यो हतो। नाणाकीय वर्ष 2022-23 में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था 6.8% दरे वृद्धि पामवानो अंदाज छे। 2021-22 राज्यना विकास दर करता ओछो छे, ज्यारे 9.1% नोंधायो हतो। आम पाछला वर्षनी सरखामणीए 2.3% ओछो होवानो अंदाज छे। तेज समय ते भारतीय अर्थव्यवस्थाना विकास दर करता ओछो छे, कारण के तेज समयगाळामां 7% दरे वृद्धिनो अंदाज छे। राज्य सरकार द्वारा रजू करायेला आर्थिक सर्वेक्षणमां कृषि क्षेत्र अने सेवा क्षेत्रना विकास दरमां घटाडो अंदाजवामां आव्यो छे, ज्यारे औद्योगिक क्षेत्रना विकास दरमां सुधारो थयो छे। समाजवादी पार्टी ना अध्यक्ष अखिलेश यादव होली तहेवार पछी लोकसभा मत विस्तार नो प्रवास शुरू करशे। तो समाजवादी पार्टी शासक भाजप सरकार सामे सतत झुंबेश शुरू करवानी योजना बनावी रही छे अने तेनी निष्फळताओने उजागर करशे। अहेवाल मुजब खेडूतोने लगता मुद्दाओने संबोधवामां भाजप सरकारने निष्फळता मळी, तो आ अभियाननुं ध्यान केन्द्रित करशे। पार्टीना एक कार्यकारीना जणाव्या अनुसार पार्टी नेतृत्व पहला तेनी राज्य कारोबारी पुनर्गठन करीने जिला एकमो अने आगळना संगठनों में नवी निमणूक करवा उपरांत पार्टी पुनर्गठन करशे। गया वर्षे 4 जुलाई रोज पेटा चूंटणी में भाजप ने रामपुर अने आजमगढ़ लोकसभा बैठक गुमाव्याना एक अठवाडिया पछी अखिलेश यादवे पक्षनी राष्ट्रीय अने राज्य कारोबारी प्रमुखने सस्पेन्ड कर दीधा था। तो आ वर्षे पार्टीए तेना माळखानुं पुनर्गठन करवानुं नक्की कर्युं छे। वरिष्ठ नेताओं शिवपालसिंह यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव तरीके सामेल करीने प्रथम वक्त नवी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की स्थापना करी छे। ब्रिटन प्रवासे गयेला कांग्रेस वरिष्ठ नेता राहुल गांधी केन्द्र सरकार की झाटकणी काढ़ी। तो राहुल गांधी चीन साथे नी सरहदे तनावपूर्ण स्थिति बाटे पण पोतानी ज सरकार ने जवाबदार ठेरवी हती। राहुल गांधीए कहू कि लद्दाख अने अरुणाचल प्रदेश में युक्रेन जेवी स्थिति छे, भारते अमेरिका साथे संबंधो वधार्या होवानुं चीने छंछेडायुं छे। वधुमां तेणे आरएसएस ने फासीवादी संगठन गणाव्युं। कांग्रेस नेता राहुल गांधीए जणाव्युं कि पूर्वीय लद्दाख अने अरुणाचल प्रदेश में युक्रेन जेवी स्थिति सर्जाई छे, रशियाए जे रीते युक्रेन पोताने गणावी तेना पर हुमला कर्या छे, तेम चीन पण लद्दाख अने अरुणाचल ने पोताना गणावी तेना पर हुमला करवानी तैयारी करी रह्युं छे। परंतु चीनना जोखम ने हजू केन्द्र सरकार आंकी शकती नथी। मैं विदेश मंत्री जयशंकर साथे आ अंगे बातचीत करी तो तेमणे तेने हास्यास्पद विचार गणाव्यो हतो।
भारतीय नौकादल ध्रुव हेलिकॉप्टरे मुंबई दरिया किनारे इमरजेंसी लैंडिंग कर्यू हतु। राहत नी वात तो ए छे के तमाम क्रू मेंबर नो बचाव थयो छे। आ एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर मुंबई थी नियमित उड़ान भरी हती। आ दरमियान ते दरिया किनारे अकस्मात नो भोग बन्यो, जेना कारणे तेने किनारे ज इमरजेंसी लैंडिंग करवू पड्यो। भारतीय नौकादलना जणाव्या अनुसार घटनानी माहिती मळ्या बाद सर्च अने रेस्क्यू बाद त्रण क्रू मेम्बर्सने सुरक्षित रीते बहार काढवामां आव्या छे। तो आ साथे घटनानी तपासना आदेश पण आपवामां आव्या छे। एक अधिकारीए जणाव्युं के भारतीय नौकादलना एडवांस लाइट हेलिकॉप्टरे बुधवारे मुंबईना दरियाकांठे इमरजेंसी लैंडिंग कर्युं हतुं। तो भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया वच्चे चार मैच की टेस्ट श्रेणी की छेली मैच 9 मार्च थी अमदावाद में रमाशे। आ श्रेणी में भारतीय टीम 2-1 थी आगळ छे। आ मैच जोवा माटे भारतना वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी पण स्टेडियम में हाजर रहेशे। तो पीएम मोदी साथे ऑस्ट्रेलियाना वडाप्रधान एंटोनी अल्बेनीज पण हाजर छे। तो बंने दिग्गज नेताओं ने लईने मैच स्टेडियम में खूब ज कड़क सुरक्षा व्यवस्था गोठवामां आवी छे। भारत और ऑस्ट्रेलिया वच्चे चौथी टेस्ट 9 मार्च थी अमदावाद नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में रमाई रही है। त्यारे आ मैच पहला भारतीय खिलाड़ियों जोरदार धूड़ेटी रमता नजरे पड़ा था। भारतीय क्रिकेट टीम नो धूड़ेटी रमतो वीडियो खूब झड़पथी वायरल थई रह्यो छे। तो आ वीडियो में कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और मोहम्मद सिराज सहित घणा खिलाड़ियों धूड़ेटी रमता देखाई रहा छे। बीसीसीआई ट्विटर पेज पर आ खिलाड़ियों वीडियो शेयर करीने होली की शुभेच्छा पाठवी हती। महत्वनुं छे कि भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया वच्चे चार मैच की टेस्ट श्रेणी की छेली मैच रमाई रही छे। नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में आ मैच रमाई रही छे। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशीप की फाइनल में जगह बनावा माटे भारतीय टीमे आ मैच कोईपण रीते जीतवी पड़शे। आ श्रेणी में भारतीय टीम 2-1 थी आगळ छे। आ मैच बंने टीमों माटे खूब ज खास छे। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की त्रणेय टेस्ट मैच 3 दिवस में ज पूर्ण थई गई हती। त्यारे जोवानुं रहेशे के आ मैच केटला दिवस चालशे। तो महिला शांति और सुरक्षा अंगे यूएन की चर्चा में पाकिस्ताने फरीवार काश्मीर नो राग आलापता वधु एक बार भारत ने तेने आकरी फटकार लगावी हती। आ वखते भारते कहू कि तमे तो आ प्रकारना दुर्भावनापूर्ण और झूठा प्रचारना जवाब ने पण लायक नथी। जम्मू और काश्मीर अंगे पाकिस्तानना विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया आपता संयुक्त राष्ट्र में भारतना कायमी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोजे तेना निवेदन ने निराधार अने राजकीय रीते प्रेरित गणाव्यु। तेमणे कह्यु के एना पहला के हूँ आ निष्कर्ष पर पहुंचु के हूँ केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू काश्मीर विषय पाकिस्तानना प्रतिनिधि द्वारा करायेली निचली कक्षानी निराधार अने राजकारण थी प्रेरित टिप्पणी ने नकारू छु। संयुक्त राष्ट्रनी परिषद में महिला शांति अने सुरक्षा अंगे ओपन डिबेट में बोलता कंबोजे कह्युं हतुं के मारू प्रतिनिधिमंडल आ प्रकारना दुर्भावपूर्ण अने झूठा प्रचारने जवाब आपवा माटे लायक मानतुं ज नथी। हिंडनबर्गना वमणमां फसायेला अने नुकसान वेठनारा अदाणी ग्रुप तरफथी एक सारा समाचार सामे आव्या छे। तो रॉयटर्सना अहेवाल मुजब मंगळवारे जूथ वती एक निवेदन जारी करवामां आव्युं हतुं के तेणे लगभग रूपिया 7374 करोड़ शेर आधारित देव समय पहला चूकवी दीधु। शोर्ट सेलर फर्मे अदाणी ग्रुपना देवा अंगे गंभीर प्रश्न उठाया था। तो समय शेर में सतत घटाड़ा वच्चे भूतकाल में अदाणी जूते व्यूहरचना ने बदलवा रोकड़ बचाव देव चूकव पर ध्यान केन्द्रित कर अदाणी ग्रुपनी अकाल लोन चुकवणी पगलू प्रमोटर्स वचन मुजब है। अपेक्षा है कि असर रोकाणकारों सेंटीमेंट पर जवासे। अत्र उल्लेखनीय कि अदाणी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोने भूतकाल में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने रूपया 1500 करोड़ लोन चूकवी थी। तो 8 मार्च एटले आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आ दिवस की देशभर में उत्साह साथ उजवणी करवामां आवी हती। तो देश दरेक क्षेत्र में महिलाओं अव्वल पर पहुंची छे। तो आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अवसर पर आगरा में महिलाओं चेहरा पर खुशी की एक अलग झलक जोवा मळी हती। तेनुं कारण छे के ताजनगरी ऐतिहासिक स्मारकों में महिलाओं की एंट्री फ्री करवामां आवी हती।
नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। हमें अंदर जाके पता चला कि टिकट फ्री है आज हमारे लिए। गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट भी मतलब हमारे ताजमहल को वुमेन्स डे के लिए, तो बहुत अच्छा लगा, मजा आया। आज हम यहाँ ताजमहल देखने आए, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं आज वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो हम लोगों के लिए गिफ्ट हो गया कि हमने फ्री विजिट किया ताजमहल। परिवार के साथ आया या हमारे फैमिली? बुधवारे समग्र देश में होली त्यौहार खूब ज उत्साह साथ उजववामां आव्यो हतो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह, उत्तर प्रदेश मुख्यप्रधान योगी आदित्यनाथ और तमाम केन्द्रीय प्रधानों देशवासियों ने होली ने शुभेच्छा पाठवी हती। राष्ट्रपति मुर्मूए ट्वीट करीने कह्यु कि उल्लास और उत्साह त्यौहार होली अवसर पर तमाम देशवासियों ने हार्दिक शुभेच्छाओ। साथ ज पीएम मोदी लख्यू हतु कि होली ने खूब खूब शुभेच्छाओ, तमारा जीवन में आनंद और उत्साह रंगों हमेशा वरसता रहे। अमेरिका वाणिज्य सचिव जीना रेमोंडो भारत की मुलाकात आया त्यारे बुधवार संरक्षण प्रधान राजनाथ सिंह निवासस्थाने पहुंचा था। अहीं राजनाथ सिंह परिवार साथ धूलेटी की उजवणी करी हती। तो दरमियान तेमणे होळीनी उजवणी में अन्य लोगों ने सहभागी थवा माटे जणाव्युं। वधुमां कह्युं कि आवी रजा पर अहीं आवुं मारा माटे सम्माननी वात छे। मने राजनाथ सिंह परिवार तरफथी खूब ज आवकार मळ्यो छे, ते अद्भुत बाबत कही शकाय तेम कहीने धूळेटीनी शुभकामनाओ पण पाठवी हती। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहु कि प्रतिकूल संजोगों में उभा रहेवू ए आपणी संस्कृति नी शक्ति छे। सामूहिकता नी भावना साथे पड़कारों सामे लड़ीने एकबीजानो सहारो बनवू ए अमारी विशेषता छे। प्राचीन त्यौहार अने समृद्ध संस्कृति नी श्रेणीमांथी आपणे संघर्षो सामे लड़वानी अने सामूहिकताना बळ पर आगळ वधवानी प्रेरणा मळे छे। होळीना पवित्र त्यौहार पर घंटाघर खातेथी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हेलिकोत्सवनी समिति द्वारा आयोजित रंगभरी शोभायात्रा ने सीएम योगीए संबोधन कर्युं हतुं। तो आपणे सामूहिकतानी भावना साथे एकबीजामां उत्साह हकारात्मकता वहेंचीने आगळ वधता रहेशुं। जानते हैं पिछले 3 वर्षों से पूरा देश भी पूरी दुनिया भी कोरोना महामारी की चपेट में थी। कोविड के कार्य बंद नहीं हुए, लेकिन सामूहिक रूप से कोई बड़े आयोजन करना, किसी कार्यक्रम में सहभागी होना हमेशा से संशय और भय का एक कारण बना रहता था। तो हाल में पाकिस्तान पूर्व वडाप्रधान इमरान खान पर धरपकड़ की तलवार लटकी रही है। दरमियान पाकिस्तान पंजाब प्रांत की सरकारे बुधवार लाहौर में तमाम प्रकार की रेलीओ और सभा पर प्रतिबंध मुक्यो छे। आ प्रतिबंध आगामी 7 दिवस सुधी चालू रहेशे। तेनु कारण सरकार द्वारा सुरक्षा नु कारण आपवामां आव्युं छे। इमरान खान समर्थकों ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ना कार्यकरो पंजाब की राजधानी में विरोध प्रदर्शन करने जई रहा था, त्यारे लाहौर में कलम 144 लागू करवामां आवी छे। सुप्रीम कोर्टे पंजाब अने खैबर पख्तूनवानी चूंटणी अटकाव्या बाद न्यायतंत्रनी तरफेणमां एकता दर्शाववा माटे आ प्रदर्शन करवामां आवी रह्युं छे। मुख्य सचिव शकील अहमदे आ आदेश जाहेर कर्यो छे। आदेशमां लखवामां आव्युं छे कि वो अवलोकन करवामां आवी रह्युं छे कि लाहौर जिल्लाना विविध स्थळोए दररोज मोटी संख्यामां रेलीओ अने विरोध प्रदर्शननुं आयोजन करवामां आवे छे, जे मात्र सुरक्षा माटे गंभीर खतरो नथी परंतु ट्राफिकने पण विक्षेपित करे छे अने मोटा पाये नुकसाननुं कारण बने छे। तो अमेरिका अने चीननी वच्चे संबंधों में सामान्य रह्या नथी। मंगळवारे चीनना विदेश प्रधान क्विंग गेंगे अमेरिका पर अनेक आक्षेपो कर्या हता। तेमणे जणाव्युं हतुं कि अमेरिका इंडो पेसिफिक क्षेत्र में मिलिटरी ब्लॉक्स बनावीने चीनने नियंत्रित करवाना प्रयत्नो करी रह्युं छे। चीननी अमेरिका ने धमकी, अमेरिका हद में रहे नहीं तो भारे पड़शे। अमेरिका ने चीन वच्चे वधेला तनाव बाद हवे फरीवार चीन अने अमेरिका आमने सामने आवी गया छे। चीनना विदेश प्रधान एटली हद सुधी वात करी छे के चीन रशियानी मित्रताथी कोईने खतरो नथी। विश्वमां जेटली अशांति वच्चे चीन रशियानी मित्रता तेटली वधु मजबूत बनशे।
क्वीन गैंग आटलू ज नहीं, चीनना विदेश प्रधाने ताइवान में रेड लाइन क्रॉस करने अंगे अमेरिका ने चेतवनी आपी। तेमणे अमेरिकानुं नाम लीधा वगर अज्ञात शक्ति पर युक्रेन में युद्ध करावी क्षेत्रीय ताकत प्राप्त करवानो पण आरोप मूक्यो हतो। गया वर्षे चीनना विदेश प्रधाननुं पद संभाळनार क्वीन चीननी वार्षिक संसदीय बैठक पछी प्रेस कॉन्फरन्सने संबोधित करी रह्या हता। आ प्रसंगे तेमणे रशियानो बचाव पण कर्यो हतो। क्वीन गैंगे अमेरिका पर निशान साधता कह्युं कि अमेरिका दावो करे छे कि तेनी इंडो पेसिफिक रणनीति क्षेत्रीय सुरक्षा माटे महत्वपूर्ण छे। जो कि सत्य छे कि आ नाटोनुं एशिया पेसिफिक वर्जन छे अने ते आ विस्तारमां तंगदीली वधारनारुं छे। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। तो चीन अमेरिका ने इंडो पेसिफिक रणनीति अने अमेरिका भारत जापान अने ऑस्ट्रेलिया क्वॉड समूह की टीका करतु रहू छे। चीने जणाव्युं हतुं के जो वॉशिंग्टन पोतानी नीतिओ में फेरफार करशे नहीं तो संघर्ष पैदा थशे। चीन हमेशा थी रशिया ने हुमलाखोर मानवानो इनकार करतु आव्यु छे। चीने रशिया अथवा युक्रेन बन्ने माथी कोई ने पण शस्त्रो आप्या नथी, तेम छतां अमेरिका चेतवणी आपी रह्युं छे। क्वीने अमेरिका नुं नाम लीधा वगर जणाव्युं कि एक अदृश्य शक्ति युक्रेन में संघर्ष वधारी रही छे अने तेना द्वारा ते पोतानो खास एजेंडा पूरा करवा मांगे छे। ताइवान अंगे क्वीन गैंगे जणाव्युं कि ताइवान साथे जोडायेला प्रश्नों योग्य उकेल लावामां नहीं आवे तो तेनाथी चीन अने अमेरिका वच्चेना संबंधो वधु खराब थशे। ताइवाननो मुद्दो अमारा माटे खूब ज महत्वपूर्ण छे। अमेरिका युक्रेननी संप्रभुता अने तेनी क्षेत्रीय सुरक्षानी वातो करे छे तो ते चीननी बाबतमां आ वातो केम भूली जाय छे? शा माटे अमेरिका चीन पर दबाण करे छे कि ते रशियाने शस्त्रो न आपे ज्यारे ते पोते ताइवानने शस्त्रो वेची रह्युं छे? ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। तो रंगोना त्यौहार होळी धूळेटीनी देशभरमां धूम हती त्यारे कृष्णनगरी वृंदावन होळीना रंगे रंगाई गयुं हतुं। वृंदावनना बांके बिहारी मंदिरमां रंगोना त्यौहारनी हर्षोल्लास साथे उजवणी करवामां आवी हती। तो बांके बिहारी मंदिरना द्वार खुलतानी साथे भक्तो भगवानना दर्शन करवा अधीरा बनी गया अने बांके बिहारीना दर्शन करवानी साथे रंगोनी छोड़ो पण उड़ाड़ी हती। ब्रजभूमि जेवी उमंगभेर खेलाती रंगरस भरी होळी भारतभरमां क्यांय रमाती नथी। ब्रजभूमि एटले के गोकुळ मथुरा वृंदावन नंदीगाम अने भरसानानी पावन भूमि। ब्रजनो प्रत्येक बांको छोरो कान्हो अने प्रत्येक छोरी छबीली राधा बनीने आ दिवसमां गुलतान बनीने महले छे। तो प्रयागराजमां पण धूळेटीनी उजवणी करवामां आवी हती। तो आ साथे अहीं हथोड़ा बारातनुं पण आयोजन करवामां आव्युं हतुं। तो प्रयागराजमां हथोड़ा बारातनी परंपरा वर्षो जूनी छे, जे दरमियान लोकोए एक बीजाने रंग लगाड़ीने धूळेटीनी उजवणी करी हती। आज होली का पर्व मनाया जा रहा है शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में। आज हम विगत 6-7 वर्षों से मॉर्निंग वॉकर्स विक्टोरिया क्लब की तरफ से हम लोग यहाँ पर होली